इस बार सावन की समाप्ति से पहले 19 अगस्त की शाम को आसमान में चमकते ग्रह एक तोरण की शक्ल में नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे खगोलीय पिंडों ने बंधनवार बना ली हो। सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी गुरुवार 19 अगस्त की देर रात गुरु और सूर्य के बीच पहुंच रही है। इससे बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सरल रेखा में नजर आएंगे। विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि इस खगोलीय घटना को जुपिटर एट अपोजिशन कहते हैं। इस समय बृहस्पति पृथ्वी से साल की सबसे कम दूरी पर होगा। सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण वैसे तो गुरु चमकदार ही है, लेकिन इस समय सबसे नज़दीक होने के कारण यह कुछ ज़्यादा ही चमकदार दिखाई देगा। पूर्व में उदित होने के बाद आप पूरी रात जुपिटर को देख पाएंगे। मध्य रात्रि में ठीक सिर के ऊपर जुपिटर नजर आएगा और सुबह के वक्त पश्चिम में अस्त हो जाएगा। सारिका ने बताया कि गुरुवार की शाम सूर्यास्त के बाद जब आप पूर्व में देखेंगे तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर चमक रहा होगा, तो पश्चिम दिशा में सौर परिवार का सबसे चमकदार ग्रह वीनस चमक रहा होगा। 22 अगस्त रक्षाबंधन पूर्णिमा की शाम चंद्रमा भी जुपिटर के नजदीक दिखेगा। 19 तारीख की शाम को बहुत खास खगोलीय घटना होने जा रही है। जब पश्चिम में सूरज डूब चुका होगा तब पूर्वी दिशा में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर उग रहा होगा। सारी रात आकाश में जुपिटर रहेगा और जब सूर्य, पृथ्वी और जुपिटर तीनों एक ही सीध में रहते हैं इस घटना को जुपिटर एट अपोजिशन कहते हैं। जुपिटर को रात्रि में आप खाली आंखों से भी देख सकते हैं और हाँ, यदि टेलीस्कोप से देखेंगे तो जुपिटर के चार सुंदर से चंद्रमा भी नजर आएंगे। तो प्रकृति की इतनी खूबसूरत सी खगोलीय घटना को जरूर देखें और आनंद लें। सारिका ने बताया कि अपोजिशन की इस घटना के समय जुपिटर की दूरी लगभग 60 करोड़ किलोमीटर होगी। इस समय इसकी चमक -2.9 मैग्नीट्यूड होगी। पृथ्वी के गुरु और सूर्य के बीच आने की यह खगोलीय घटना लगभग हर 13 माह में होती है। अपोजिशन की घटना के समय कोई भी ग्रह पृथ्वी से सीध में रहते हुए साल के सबसे कम दूरी पर होता है, इसे पेरिजी कहते हैं। इस कारण ग्रह अपेक्षाकृत बड़ा और अधिक चमकदार नजर आता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।